विदाउट मावा विदाउट कंडेंस मिल्क के आज हम बनाने जा रहे हैं बहुत ही मज़े की कुल्फ़ी। जी हाँ, कुल्फी हम बनाएंगे होममेड कुल्फी जो कि बहुत ही इसी तरीके से बनती है। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, मैं हूँ हिना रब देख रेशका किचन। आज आप लोगों के साथ शेयर करने जा रही हूँ बिना मावा बिना कंडेंस मिल्क वाली मलाई कुल्फी। तो मलाई कुल्फी सिर्फ हम तीन इंग्रेडिएंट्स के साथ ही बनाएंगे, तो वीडियो के अंत तक जरूर बने रहिएगा। कुछ सीक्रेट टिप्स एंड ट्रिक के साथ आज की रेसिपी शेयर करने जा रही हूँ, तो वीडियो को लाइक जरूर करना है। चैनल पर नए आए हो, पहली बार मेरा वीडियो वॉच कर तो प्लीज सब्सक्राइब कर दीजिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो कुल्फी बनाने के लिए ना सबसे पहले मैंने यहाँ पर लिया है दो ब्रेड स्लाइसेस। आप चाहे तो पाव का भी इस्तेमाल कर सकते हो, दो ही पाव लेना है आपको। और रेशियो मैं आगे बताऊंगी वीडियो के बीच में कि कितना मिल्क हमें लेना है, तो वीडियो को बिल्कुल बिना स्किप किए देखना है, ध्यान से देखना है। तो देखिए, दो ब्रेड स्लाइसेस मैंने लिए थे और इसे मैंने इस तरीके से तोड़ लिया है और इसे हमें ग्राइंड करना होगा। फाइन पाउडर इसकी बना लेंगे हम। तो देखिए, छोटा वाला जार मैं इस्तेमाल कर रही हूँ और इसमें आराम से 5 से 6 कुल्फी बन जाएगी। तो देखिए फ्रेंड्स, इस तरीके से मैंने इसे ग्राइंड कर लिया है, पाउडर बना ली है, इसे हम साइड में रख देंगे। अब यहाँ पर ना एक कढ़ाई मैंने गैस के ऊपर रख दिया है, इसमें हम 2 गिलास के करीब मिल्क ऐड कर देंगे। मिल्क को पहले से मैंने बॉईल कर लिया था, अगर कच्चा आप मिल्क इस्तेमाल कर रहे हो तो इसे बॉईल करना होगा। यहाँ पे 1/2 लीटर मिल्क का इस्तेमाल होगा। मैं जैसे कि बता रही हूँ आप लोगों को, रेशियो देखिए, 2 ब्रेड स्लाइसेस मैंने लिए हैं और 1/2 लीटर दूध लिया है और इसे हमें बॉईल करना होगा। सबसे पहले हम इसे पकाएंगे अच्छे से। जैसे कि दूध जो है ना बॉईल ही किया हुआ था, फिर भी मैंने इसे पकाया है 1 से 2 मिनट तक। इसमें ऐड कर देंगे 1 कप के करीब चीनी, मतलब कि शुगर। शुगर की क्वांटिटी आप अपने हिसाब से एडजस्ट कर सकते हो। तो देखिए, इसे ना मैंने थोड़ा सा और पकाया है, मतलब इसे पकाते ही रहना है हमें लो टू मीडियम फ्लेम पर। 1 टेबल स्पून भर के मैं यहाँ पर मिल्क पाउडर इस्तेमाल कर रही हूँ, ये इसमें डाल देंगे। टोटली ऑप्शनल है, अगर डालना है तो डालें, स्किप कर सकते हो। मिक्स कर लेंगे सब चीज़ों को और फिर से इसे हम पकाएंगे। मतलब आपको दूध इतना पकाना है कि जब तक ये गाढ़ा ना हो जाए। तो देखिए, अब स्टेज पर आने के बाद ना मैंने यहाँ पर लिया है अमूल का फ्रेश क्रीम, तो ये ज़्यादा नहीं इस्तेमाल होगा, 2 से 3 टेबलस्पून भर के ही हम ऐड कर देंगे। देखिए, क्योंकि पाउच ख़त्म ही हो रहा था तो 2 से 3 टेबलस्पून भर के होगा इसमें, तो ये मैंने पूरा ऐड कर दिया है इसमें। और घर की मलाई अगर आपके पास है तो वो भी इस्तेमाल कर सकते हो। अब स्टेज पर आने के बाद ना मैं इसमें ऐड कर दूंगी ब्रेड स्लाइसेस के जो हमने पाउडर बनाई ना, वो इसमें डाल देंगे। और यहाँ पे ना मैंने लिया है फ्लेवर के लिए इलायची पाउडर का सिरप, तो अगर आपके पास इलायची पाउडर है तो 1/2 टीस्पून ऐड कर दीजिएगा। 2 से 3 ड्रॉप मैं इसमें ऐड कर दूंगी। इसका जो फ्लेवर होता है बहुत ही स्ट्रांग होता है, तो 2 से 3 ड्रॉप काफ़ी है। मिक्स कर लेंगे सब चीज़ों को। जैसे ब्रेड स्लाइसेस हम इसमें ऐड कर देंगे ना, तो ये थिक हो जाएगा, जैसे कि आप लोग देख रहे हो। आप चाहे तो इसमें ना बादाम को भी ग्राइंड करके ऐड कर सकते हो अगर डालना है तो बन जाएगी बादाम कुल्फी। तो देखिए, मिक्स कर लेंगे हम चीज़ों को। बिल्कुल सिंपल तरीके से मैं बता रही हूँ कम इंग्रेडिएंट्स के साथ किस तरीके से विदाउट मतलब मावा विदाउट कंडेंस मिल्क के हम इजीली बना सकते हो कुल्फी घर पर। देखिए, ठीक हो चुका है, इसे हम मतलब गैस के फ्लेम को बंद कर देंगे, इसे ठंडा होने का वेट करेंगे और मतलब कि केमिकल फ्री हम कुल्फी या आइसक्रीम घर पर बना सकते हैं, तो बाहर से लाने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। तो देखिए, यहाँ पर ये ठंडा हो चुका था ना, तो मिक्सी के जार में हम इसमें ऐड कर देंगे ये सब चीज़ें और एक बार फिर से हमें इसे ग्राइंड करना होगा। तो यहाँ पे स्मूथ और क्रीमी टेक्सचर वाली कुल्फी बनेगी। तो आप चाहे तो ऐसे भी इसे जमा सकते हैं, लेकिन मैं ना मिक्सी के जार में इसे एक बार ग्राइंड कर लूँगी तो स्मूथ और क्रीमी बनेगी। इसे मैं पीस दूँगी, इसको कवर में लगा दूँगी, एक बार ही मैं इसे चला लूँगी मिक्सी में तो हो जाएगा। तो देखिए फ्रेंड्स, इसे मैंने ग्राइंड कर लिया है, आप देख सकते हो बहुत ही स्मूथ यहाँ पर पेस्ट बन के रेडी हो चुकी है। तो मैं बताती हूँ आप लोगों को, देखिए इसी तरीके की हमें चाहिए। देखिए, थिकनेस आप देख सकते हैं, ज़्यादा पतला नहीं रखना है इसे, इसी तरीके का हमें चाहिए। तो अब बारी आती है इसे ना जमाने की, तो आप चाहे तो ग्लास में भी इसे जमा सकते हो, बहुत ही इजी है जमाने के लिए, तो कोई भी चीज़ का आप इस्तेमाल कर सकते हो। तो कुल्फी वाला अगर ट्रे है तो वो भी इस्तेमाल कर सकते हो, मेरे पास ये आइसक्रीम वाला है तो मैं यही इस्तेमाल करूँगी। ऊपर का कवर हम हटा देंगे सबसे पहले, और पहले से ये वॉश किया हुआ है तो वॉश करने की ज़रूरत नहीं है। और ये इसमें डाल देंगे हम जो भी ये पेस्ट हमने बनाया है वो इसमें डाल देंगे, और इतनी स्मूथ और क्रीमी यहाँ पे मलाई कुल्फी बनके रेडी हो जाती है ना कि आप लोगों को लगेगा ही नहीं कि घर में हमने बनाई है। बच्चे भी इसे नहीं पहचान पाएंगे अगर आप घर पे बनाओगे तो। और इसकी खास बात यह है कि विदाउट केमिकल, मतलब कि केमिकल फ्री हमने बनाया है, तो बाहर से ना लाते हुए घर में आप बनाइए, अपने बच्चों को खिलाइए। तो देखिए, यहाँ पर इसका कवर मैं लगा लूँगी। फिलहाल यहाँ पर मेरे 5 कुल्फी बनी है, तो अगर आपको ज़्यादा बनानी है तो जितने भी इंग्रेडिएंट्स मैंने बताए उसकी क्वांटिटी आप डबल ट्रिपल कर सकते हैं, जितना आपको बनाना है उतना। मैं 1/2 लीटर दूध का बनाया है यहाँ पे,
इसे हम जमाने के लिए रख देंगे फ्रीजर में 4 से 5 घंटे के लिए, तो आराम से हो जाएगा। या ओवरनाइट भी आप इसे रख सकते हैं, 1 दिन के लिए भी रखोगे तो चल जाएगा। तो देखिए फ्रेंड्स, 5 घंटा मेरा कंप्लीट हो चुका है, ज़्यादा देर नहीं रखा है मैंने। अगर आप ज़्यादा देर रखोगे तो और भी हार्ड ये हो जाएगी। तो आप देख सकते हो जैसे कि ये थोड़ी सी मेल्ट हो चुकी है, क्योंकि निकल नहीं रही थी तो मैंने पानी में रखा था इसे, तो इसलिए ये थोड़ी सी मेल्ट हो चुकी है। तो ये इजीली निकल जाएगी अगर पानी में आप रखोगे तो। अब देख सकते हो बहुत ही मज़े की कुल्फी, मलाई कुल्फी मुँह में घुल जाने वाली बनके रेडी हो जाती है ठंडी ठंडी। आप लोग ज़रूर ट्राई करना। तो वीडियो को लाइक ज़रूर करना है, चैनल पर नया आया हो पहली बार मेरा वीडियो वॉच कर तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिएगा। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में आसान से रेसिपी के साथ, तब तक दुआ में याद रखना। अल्लाह हाफिज़, टेक केयर, बाय बाय।